फर्स्टली हेलो टू ऑल गाइस, कैसे हैं आप सब। यार उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो फिलहाल आज का टॉपिक बहुत ही रोमांचक और मजेदार होने वाला है। तो फाइनली हमारे अब तक ये वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर हमारे 400 सब्सक्राइबर हैं जो वो पूरे हो जाएंगे। ओके तो फाइनली अभी मैं आपके सामने एक पेज खोलता हूँ। और वो आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो प्रोपोर्शन के कुछ फॉर्मूलाज हैं आज की वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कौन से किसके ऊपर फॉर्मूला पढ़े थे, तो अभी हमारा फाइनली फॉर्मूलाज का सेशन है जो वो चल रहा है। तो फाइनली अभी इसको स्टार्ट करते हैं। मैं कलर चेंज करने आया हूँ। सो कलर लेता हूँ मैं रेड। तो अब क्या करते हैं, सो डेस्कटॉप। फाइनली गाइस अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा प्रोपोर्शंस फॉर्मूलाज रूल्स। जो प्रोपोर्शन होते हैं, प्रोपोर्शन के फॉर्मूला होते हैं, उनके कुछ यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं। तो वो रूल्स आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी जो फॉर्मूला के रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो भी आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइनली गाइस एक चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भी, आपको व्हाइट बोर्ड वाला पीछे सिस्टम बढ़िया लगता था या जो हम अभी ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं साइड में पिक्चर आ जाती है, यहाँ पर मेरी पिक्चर आ जाती है, ठीक है ये, और या पहले वाला सिस्टम वो अच्छा लगता था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स करके कमेंट में ज़रूर बताना है। फाइनली गाइस अगर आप यहाँ देखते हैं तो एडिशन में अगर आप प्रोपोर्शन फॉर्मूला के रूल देखते हो तो a बाई b होगा और उसमें आप प्लस करेंगे c/d इज इक्वल टू ad + bc। ओके बाय में bd क्या करेंगे, देखो नीचे bd है, देखो यहाँ पर नीचे bd है तो इधर भी अपन ने सेम टू सेम bd ले लिया। तो अगर अब क्या करेंगे ab क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके तो और c और bc, तब ये क्या 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 करेंगे ad + bc / bd। लास्ट में है जो लास्ट में यहाँ पर वो ही रहेगा, bd आपका आ चुका है। तो ये हमारा रूल था एडिशन का। अगर आप उसके बाद बात करते हो तो फिर आता है सब्ट्रैक्शन। अब अगर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो आप देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, वो ही रूल है, बस जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा। देखिए a/b - c/d इज इक्वल टू क्या करोगे ad + cb ad + bc by में bd। तो ये है सब्ट्रैक्शन का। वाइज यार जो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो अपना व्लॉगिंग का है ना, तो वो व्लॉगिंग हमारी रोज नहीं आया करेगी, यानी कि हम हर रोज एक वीडियो उसकी शायद डाल पाए। ओके फाइनली अभी ना यार थोड़ा जो सिस्टम है वो भी थोड़ा सेट नहीं आ रहा है, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन है ना वो एक बार ख़राब हो चुका है। और फाइनली उसके बाद देखते हैं गाइस मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो जो गाइस पहले वाला मोबाइल है ना वो थोड़ी बैटरी बैकअप उसकी नहीं है, और जो दूसरा है वो एक बार कहीं गया हुआ है। अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते हो तो फिर आप सीधा स्टडी पाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, a/b इज इक्वल टू c/d ad इज इक्वल टू bc ad क्रॉस मल्टीप्लाई bc ad इज इक्वल टू bc। तो ये आपका इसका फॉर्मूला का रूल। अगर आप उसके बाद गाइस कुछ सेट प्रॉपर्टी की बात करते हो तो सेट प्रॉपर्टीज इसमें दो दिखाई हुई हैं, एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाई हुई है, दूसरी दिखाई हुई है
कम्यूटेटिव का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ए बी है ना यहाँ पे, तो आप ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हो, ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हो। एसोसिएटिविटी की बात करते हो तो इसमें ऐसे होता है, मैं आपको बता ही देता हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए प्लस बी किया है तो आप बी प्लस ए भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। अगर आपको उसके बाद एसोसिएटिव भी अपना कम्यूटेटिव भी हो गया, डिवीजन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, एडिशन भी हो गया, तो ये हैं जो अपने ये हो चुके हैं। तो फाइनली अभी एक रह चुका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होगा आप अगर करते हो तो ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ ब्रैकेट डाल दिया प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें आपको कुछ गाइस समझ आया? इसमें क्या किया, पहले तो ए और बी को प्लस किया, ए और बी को प्लस कर दिया, ए और बी को प्लस किया, ठीक है। उसके बाद सी से, यानी कि यहाँ इसकी वैल्यू 2 ले लो, इसकी वैल्यू 3 ले लो, इसकी वैल्यू भी 2 ले लो, 2 नहीं 4 ले लो, इसकी वैल्यू क्या ले लो 4। तो पहले क्या करना है, इसमें ब्रैकेट लगा रखा है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे 3 2 5 5 4 9, इसका 9 आ चुका है। तो अगर इसको भी करोगे, ए की वैल्यू कितनी थी 2 थी, बी की वैल्यू कितनी थी 3 थी और सी की वैल्यू कितनी थी 4 थी, पहले 4 और बी को इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बी बी और सी को कर लो 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9, आपका जो 9 आंसर है वो भी ऐसे ही आएगा। ओके, तो फाइनली ये थी प्रोपोर्शन, जो हमारा प्रोपोर्शन होता है उसके कुछ फॉर्मूला के रूल। और उसके बाद अगर आप उसके बाद आप आगे चलते हैं तो अलजेब्रा होता है ना, अलजेब्रा क्या होता है भाई साहब, इधर नजर डालिए। अगर अलजेब्रा नहीं पता ना तो यहाँ आपको आई बटन पे ऊपर लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलजेब्रा की वीडियो मैंने इतने अच्छे से समझा रखी है ना, आगे कार्टून सा भी लाया हुआ है, वो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ठीक है। तो उसको जाके देखो जल्दी, अलजेब्रा अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो गाइस अगर आप बात करते हैं अलजेब्रा एक्सप्रेशन एक्सपेंशन की, ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूँ इससे कुछ। तो ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो इसमें क्या है, ये हमारे तीन फसली है वैसे, ये इम्पोर्टेंट होते हैं ये वाले तीन, उसके बाद इसकी भी बात बाद में कर लेंगे। फसली ये तीन है जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट थ्री, आगे मैं उनके मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ है, ये इतना मायने नहीं देता, फसली में मायने देते हैं ये तीन और आप इनको चर्चा करते हैं। तो पहले देखिए ए प्लस बी स्क्वेयर, वो क्या कह रहा है, ए प्लस बी स्क्वेयर, वो ऐसे कह रहा है ना, ए प्लस बी स्क्वेयर, अभी रुक जो यार थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है गाइस, वो कह रहा है ए प्लस बी स्क्वेयर और उसने यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, उसके कहने का मतलब भी ए के ऊपर भी स्क्वेयर है और बी के ऊपर भी स्क्वेयर है। तो पहले तो ए स्क्वेयर भी हमारा, उसने कहा है इसका आगे लिखो एक्सपेंशन, तो फिर आगे क्या होगा, अब देखो स्क्वेयर डाला हुआ है यहाँ पे, तो ये जो स्क्वेयर है ये बी में भी लगेगा और ए में भी लगेगा। पहले तो आप लगा देते हैं ए स्क्वेयर प्लस लास्ट में लगाओ बी स्क्वेयर, अब बीस की वैल्यू रहेगी तो इसमें क्या होगा, टू ए बी, टू ए बी, ए बी हो गया टू को ले लिया, ओके। तो ये इसका ऐसे फॉर्मूला बन जाता है, ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला बन गया ना। ए इसके ऊपर था यानी कि स्क्वेयर, वो होल के ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वेयर है तो दोनों के ऊपर लगेगा। तो गाइस ये जो अपना पहला था ये तो अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आप उसके बाद बात करते हो तो गाइस ए माइनस बी स्क्वेयर की, तो इसमें माइनस प्लस की जगह माइनस लगा देना है, इतना आप कर लोगे, ये करवाने की जरूरत है, ये भी हो गया।
ठीक है, उसके बाद ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अब क्या आ गया ए स्क्वेयर, अब उसने ना ब्रैकेट नहीं डाला ऊपर, सीधा लिखा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए के ऊपर सीधा सीधा स्क्वेयर है, बी के ऊपर भी सीधा सीधा स्क्वेयर है, और बीच में माइनस है, और बीच में माइनस है, इसको कैसे करेंगे, पहले तो आप क्या करोगे ए प्लस बी, यानी कि एक आपने ए प्लस बी प्लस का ले लेना और एक माइनस का ले लेना, और ए माइनस बी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो थे हमारे फॉर्मूलाज थे, तो फाइनली नीचे वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसमें क्या है एक्स स्क्वेयर, देखो दो बार एक्स 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 स्क्वेयर, एक्स प्लस ए बी, एक्स एक्स कॉमन, ए और बी आ गया, फिर एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स क्या हो गया एक्स है जो इनमें कॉमन है, तो एक्स को एक्स एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वेयर हो गया, प्लस में एक्स कॉमन है तो बाद में एक्स ले लिया और ए प्लस बी ले लिया, प्लस में फिर ए बी ये वाला ले लिया। तो भाई ये था फॉर्मूलाज, आज के फॉर्मूलाज आज के, ओके फाइनली अब आज के लिए इतने बहुत है, अगली वीडियो में आप करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज। तो गाइस आज की जो वीडियो थी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियो, मिलते हैं फिर आप अपनी अगली वीडियो में। फाइनली अलजेब्रा का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैंने पीछे कहा था आई बटन पे, फाइनली पीछे ही आई बटन पे मिल जाएगा आपको, जहाँ पर मैंने पहले कहा था कि आई बटन पे जाकर देख लो लिंक आ जाएगा, तो पीछे आप देख लो आई बटन पे भी आया होगा। फाइनली गाइज ये वाली वीडियो अपनी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियो, मिलते हैं आपका अपनी अगली वीडियो में। तो एक और मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, ये सॉफ्टवेयर अब गाइज बहुत ज़्यादा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, इसमें मुझे कोई भी ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं आती। तो फिर मिलते हैं आपका अपनी अगली वीडियो।